महीना। चार की मौत बालाघाट विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद शहर में रविवार की रात स्वागत समारोह की समाप्ति के बाद मीना कावरे बालाघाट से लांजी जा रही थी, जहां साले टेका के पास उपाध्यक्ष कावरे का काफिला सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात बालाघाट में एक समारोह में शामिल होकर वापस लौट रही मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के वाहन आगे था, जबकि पीछे आ रहे पोलो गार्ड वाहन को एक तेज रफ्तार के ट्रॉली ने टक्कर मार दिया, जिसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक में एक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक, आरक्षक सहित वाहन चालक शामिल है। उपनिरीक्षक हर्षवर्धन सोलंकी, प्रधान आरक्षक हामिद शेख, आरक्षक राहुल कोलारे और ड्राइवर सचिन शामिल है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने मग कायम कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल घटना की जांच हो रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।